नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अनोखे माता के मंदिर पर लेकर जाने वाला हूँ जो जंगल में, घनघोर जंगल में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। यहाँ ट्रेन का एक बहुत बड़ा नाता है दोस्तों, यह ट्रेन दुर्घटना के लिए फेमस भी हुआ था और यहाँ पहुँचने का एकमात्र साधन ट्रेन ही है। यहाँ बकरों की बलि भी दी जाती है और मनोकामनाएं भी की जाती है। उनकी स्थापन किए गए पूर्वज लोग अपने आप आए से, अब अपने आप आए या फिर जैसे भी है उसको पूर्वज लोग जाने, हम नहीं बता पाए। हाले तो पैदाइशी है यहाँ का माता, हमारे पिताजी थे विश्वनाथ, विश्वनाथ वही देखे रही सबसे पहले। तो उस समय पूजा चलत रही है, उस समय पूजा चलत रही से। हाँ उस टाइम पूजा नहीं, साधारण एक नीम का झाड़ था, इसलिए झाड़ है वैसे। अच्छा, ये बहुत जमाने की बात है, 1900 बता के गए हैं, 1942-43 में। यानी छोटे से बच्चे ही पर गिरा दिए थे 33 हाथ। हाँ, तो चिरमिरी गाड़ी में रात में। अच्छा, तो यहीं पर सवेरे आ गेंगे वाली। हाँ, यहीं पर वो पड़ा रहा बच्चा। अच्छा, छोटा सा एकदम हुआ है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा यहीं खरोंच पड़ा था। अच्छा, तो जय जवाहर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। दोस्तों इस साल की जो चैत्र नवरात्रि है वो 22 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले मैंने सोचा आप लोग के लिए किसी देवी माता का मैं वीडियो लेकर आता हूं जहां कुछ ऐसा रहस्य भी छिपा हो, कहानी भी छिपा हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक मंदिर है, मरही माता मंदिर, जो कि भनवारटंग के बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ पास स्थित है। अब तो गोरला पिंडरा मरवाही जिले में आता है। तो इस मंदिर में खास यह है दोस्तों कि माता जो है वह नीम के पेड़ के नीचे जो है प्रदर्शित हुई थी, उसके बाद लोगों को अपने चमत्कार से उन्होंने प्रदर्शित कराया, जिसके बाद आज बहुत बड़ा वह मंदिर बन गया है और मरही माता के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। वहाँ से रेलवे जो स्टेशन है वो भी है, लेकिन वहाँ से बहुत ही कम ट्रेनें गुजरती है और जब भी गुजरती है माता को एक बार प्रणाम बहुत करती है। माता से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, वो तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा ही। साथ ही वहाँ जो जनजाति रहती है, जो आदिवासी रहते हैं, उनकी आराध्य देवी भी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मरी माता की जर्नी करने वाले हैं, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अनोखे मंदिर पर लेकर जाने वाला हूँ जो कि जंगल के बीचों बीच स्थित है और जहाँ पहुँचने का एकमात्र साधन ट्रेन है। अब दोस्तों यहाँ कार या बाइक से भी पहुँचा जा सकता है चूँकि रास्ता बना दिया गया है। आज हम जाने वाले हैं दोस्तों मरही माता मंदिर जो कि पोरेला पिंडरा मरवाही जिले में आता है। इसकी दूरी पिंडरा से 30, बिलासपुर से 108 और रायपुर से 225 किलोमीटर है। दोस्तों यह जो मंदिर है यह काफ़ी खास है और अपनी ट्रेन दुर्घटना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। माना जाता है 1982-84 में यहाँ नर्मदा एक्सप्रेस की एक बहुत ही भयंकर घटना हुई थी, जिसमें वह एक मालगाड़ी से टकराकर यहाँ पलट गई थी, जिसके बाद वहाँ से उतरने वाले लोगों ने यहाँ इस मंदिर को इस जंगल में देखा और यह मरी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले भी दोस्तों यहाँ मंदिर हुआ करता था, जिसे यहाँ ग्रामीण वासियों द्वारा आराध्य देवी माना जाता था और उन्हें पूजा जाता था। कहते हैं कि यह मंदिर एक नीम के पेड़ पर स्थित था। 1981 में जब यहाँ दोस्तों ब्रिटिशों द्वारा ब्रिज बनवाया गया, जिसे आप यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं, उसके बाद से यह जगह प्रकाश में आई। यहाँ पहुँचने का रास्ता जो है वह काफ़ी दुर्गम है, आप लोग देख सकते हो, कार या बाइक से पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। तो ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों भनवारटंग का, देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ जगह है और मतलब लोकल ट्रेनें यहाँ रुकती हैं और एक्सप्रेस वगैरह नहीं रुकती। ये भनवारटंग का बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पास रेलवे स्टेशन है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, तो उस साइड से जाते हैं। चलिए चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको। मरी माता दोस्तों यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण आदिवासी यहाँ रहते हैं, उनकी आराध्य देवी भी है। माना जाता है जब यहाँ पहले पूरा जंगल हुआ करता था, तब एक छोटा सा नीम का पेड़ था जिसमें सबसे पहले उन्होंने माता को देखा, माता की पूजा करना चालू की और वहाँ सिर्फ एक पत्थर और लाल कपड़ा ही था। बाद में यहाँ मंदिर बना। देख सकते हो दोस्तों ये है मुख्य मंदिर और यह है जाने का रास्ता, दो रास्ते हैं, उधर से भी आ सकते हो, हम लोग इधर से जाते हैं। और अच्छा माहौल है, हमेशा ही माहौल रहता है, खासकर नवरात्रि को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है लोगों की। तो चलिए चलते हैं सीधा मंदिर की ओर।
अरही माता के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ के लोगों से जब हमने पूछा, उन्होंने बताया कि माता यहाँ पहले जंगल में एक नीम के पेड़ पर प्रदर्शित हुई थी और गांव वालों को अपने दर्शन दिए थे। उसके बाद गांव वालों ने उनकी पूजा करना चालू कर दिया, चुनरी नारियल चढ़ाना चालू कर दिया और उनसे मनोकामनाएँ करना चालू कर दिया। कहते हैं कि माता जो जो भी मांगती थी वो उनको दे देते थे और माता उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर देती थी। आज दोस्तों इतने साल हो गए हैं इस बात को और यह एक बड़ा मंदिर बन चुका है। यह सिर्फ यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा ही बनवाया गया है और यहाँ पहुँचने का साधन सिर्फ एक ट्रेन ही है। दूर दूर से दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं। नवरात्रि में खासकर यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। यहाँ बकरा बलि भी कुछ समय तक काफ़ी प्रसिद्ध थी दोस्तों, और काफ़ी सारे लोग यहाँ बकरा बलि भी देते थे। अब मंदिर परिसर में बकरा बलि जो है वह बंद हो चुका है, लेकिन आज भी लोग बाहर आकर बकरा बलि देते हैं। यहाँ दोस्तों आपको माता की पालकी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत सारे नुकीले कील देखने को मिलेंगे। साथ ही भैरव बाबा भी आपको बगल में देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि मरही माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी करते हैं। दोस्तों चमत्कारों के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोगों से पूछेंगे तो उनके मन में तो मरही माता का एक खास स्थान है और उनके मुँह से उनके चमत्कारों की लिस्ट जो है वह तो ख़त्म ही नहीं होती है। यह जगह दोस्तों एक ट्रेन दुर्घटना कारण भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे 33 ट्रेन दुर्घटना कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक 33 नंबर की ट्रेन थी जो उस समय इंदौर बिलासपुर में चला करती थी। मानते हैं कि उस ट्रेन से एक बार एक बच्चा गिरा था, जिसे लोगों द्वारा कहा जाता है कि फेंक दिया गया था। बहुत ही छोटा वह बच्चा था दोस्तों, जो है मंदिर के सामने गिरा था, लेकिन मरही माता ने उसकी रक्षा की और बाद में वह बच्चा बड़ा होकर आज एक अच्छे मुकाम पर पहुँच गया है। इससे दोस्तों मरही माता के चमत्कारों का पता चलता है। मरही माता बहुत दिन के यहाँ आए हुए, उनकी स्थापन किए गए पूर्वज लोग। अपने आप आई से? अब अपने आप आए या फिर जैसे भी है उसको पूर्वज लोग जाने, हम नहीं बता पाए। हाले तो पैदाइशी है यहाँ का, बाकी नहीं बता पाए। हमारे पिताजी थे विश्वनाथ, वही देखे रहे सबसे पहले। हाँ। उस समय पूजा चलत रही से, उस समय पूजा चलत रही से। हाँ उस टाइम पूजा नहीं, साधारण एक नीम के झाड़ था, इसलिए झाड़ है। ये बहुत जमा की बात है, 1900 बता के गए हैं, 1942-43 में। आज कितने दिन हो, अब वही चमत्कार देख रहे हो, ये सब बनते जा रहे हैं। चमत्कार थे जो भी मन्नत मांग रहे हैं तो मनोकामना पूरा हो गए। नौकरी मन्नत मांग थे, नौकरी लग रहा है, जिनके संतान नहीं है, बाल को पाली संतान के लिए मांगते हैं, वो भी पूरा हो रहा है। जो भी मन्नत मांगते सब पूरा हो, कुछ ना कुछ हो रही है। 16 जुलाई 1985 दिन गुरुवार बृहस्पति है। वो 33 वाला कहाँ रहते हैं? वही 33, उसी के नाम 33। अच्छा, इंदौर बिलासपुर। अच्छा, वो ट्रेन के नंबर है का? हाँ, नंबर है 33। ऐसे 33 नंबर है। उसके बाद कहाँ नहीं हुआ फिर? उसके बाद नहीं हुआ दुर्घटना। अच्छा, और बीच में बच्चों को फेंक दे रहे हैं कुछ? हाँ, कुछ फेंके थे तो बच्चा था, ये 85-87 कोई बच्चा का ट्रेन से गिरा देते है, छोटे से बच्चा एकदम, उसका यही पर चोट था बस, और कहीं नहीं, सिर में। उसको फिर इसको पाले पोसे गांव के आदमी यही के लोग, तो आज लड़की आज नौकरी में भी लग गई है, एक तो रेलवे वाले पाला पोसा। तो दोस्तों ये है मरही माता भनवार टंका, वह खूबसूरत तालाब जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, और मतलब फेमस तो है क्योंकि जो पर्यटन स्थल है मरही माता, यहाँ अगर आप आते हैं तो मंदिर तो आपने देखा होगा, लेकिन यह एक झरना भी है जो घोघरा झरना कहते हैं, जो भनवारटंक से जंगल की ओर जाता है। और ये कि तालाब है सरोवर, ये भी बहुत दर्शनीय स्थल है। आपस जंगल में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो यहाँ आते हैं दर्शन करने वो इस तालाब में ज़रूर आके नहाते हैं। और आसपास आप काफ़ी कचरा देख रहे होंगे जो कि यहाँ आए लोगों के पिकनिक की निशानियाँ हैं। तो लोग जो आते हैं बकरा बलि वगैरह देते हैं वो इधर ही आकर देते हैं और इस तालाब में आकर नहाते हैं और यहाँ कचरा भी फैलाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ भी आ सकते हो और कचरा मत फैलाइएगा, आइएगा। तो किस्से कहानियों से भरा हुआ दोस्तों यह खोंगसरा खुडरी भनवार टंग का मरही माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर से भी यहाँ लोग देखने को मिलेंगे, जो यहाँ मरही माता के दर्शन के लिए आते हैं। मरही माता के लिए उनके मन में काफ़ी श्रद्धा और भक्ति है। आप भी अगर यहाँ आना चाहेंगे दोस्तों तो इसका जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। नवरात्रि में यहाँ आना खास होता है क्योंकि उस समय यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती है।
अभी चूंकि नवरात्रि चल रही है दोस्तों, तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। दोस्तों यह जो मरही माता का मंदिर भनवार टंग पे स्थित है, यह एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बिलासपुर जिले का, और आज भी जो है मरही माता यहाँ के लोगों द्वारा, आदिवासियों द्वारा पूजी जाती है, उनकी आराध्य देवी है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर से, इवन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी यहाँ लोग आते हैं मरही माता से अपनी मनोकामनाएं करने के लिए। तो इस नवरात्रि में अगर आपको मौका मिले तो आप लोग भी जरूर आएगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।